अच्छी खबर कि खिलाड़ी को चोट लगी थी लेकिन फिर से वापस तैनात है। आगे इस बीच अभी बहुत तेजी के साथ 37 रन पार करने के बाद गलत पास कर रहे हैं। दर्शकों की शोरगुल रोमांच अच्छा प्रयास है। 7 विकेट जैसे भी प्रणी क्रॉस निकाला है अमन के हाथों में गेंद। एमसी रिमिक्स बालूघाट को 2-2 गोल के साथ बराबरी में रोका था टाइटल, उसको पकड़ के लाइए भाई, देखिए काट ना ले दिक्कत है। आप सभी के अथक प्रयास सहयोग से विसल के साथ इस मैच का किक ऑफ हो चुका है। ये आज के दिन का आखिरी मैच है, ये सेमीफाइनल नंबर 2 है। अजय मजबूत हेडर यहाँ पे जो इस नंबर 3 में रेवता कोटी की ओर से खेलने का। टीम नंबर की जर्सी में आप देख सकते हैं शशि को, टीम धर्मा के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा टीम की कैप्टन सुबोध जर्सी नंबर 19 में, दिन का एफसी के इंडियन प्लेयर दीपक को भी आप देख सकते हैं, कई कमाल की खिला रहे हैं इस मुकाबले में। दोनों ही टीमों के पास अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ अच्छा तालमेल यहां पे बढ़ाने का प्रयास किया। बहुत तेजी के साथ यहां पे टीम गरबा एफसी के खिलाड़ी गेंद को लेने के प्रयास में है। गलत पास से बैठे पंद्रह नंबर की जर्सी में प्रवीण मौजूद है, वहां पे गेंद को लेने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच यहां पे क्षेत्र से रेखा कोटी की टीम तलाश रही थी मौके की। कैल्विन एक मजबूत खिलाड़ी डिफेंस में रेखा कोटी के लिए, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी, अच्छा स्किल प्रवीण के द्वारा दाहिने क्षेत्र से। जेतक फाइनल मैच का किक ऑफ कराने की पूरी उम्मीद है। लंबा शॉट प्रवीण के द्वारा, वहां पे अच्छा रिसीव टीम धरवा के खिलाड़ियों के द्वारा बाएं क्षेत्र से। अभिषेक जो कि जर्सी नंबर 6 के साथ हैं, 11 नंबर की जर्सी में विमल मौजूद हैं। इस बीच यहां पे सैंडी का पास था हर्षित की, गलत पास इस बीच यहां पे कर बैठे हैं। वहां बीच बचाव में दीपक आ गए थे। सैनी राजू दो खिलाड़ी उन्हें रोकने के प्रयास में, अभी भी बॉल पोजीशन को बनाए हुए हैं। सूरज उस क्षेत्र से निकलने का प्रयास कर रहे थे, अपने खिलाड़ी को बढ़ाने का प्रयास किया दीपक मिडफील्ड में।
ऑल पोजिशन को बनाई हुई है टीम दरबार एफसी की खिलाड़ी। ये मुश्किल हो सकता है रेंता खोटी के लिए। टीम के कप्तान सुबोध शॉट लेने के लिए तैयार है। और यहां पे काफी ऊंचा एक अच्छा मौका यहां सैंडी और बहुत ही स्किल दिखाने के बाद आगे बढ़ा दिया था गेंद को। इस बीच यहां पे रेता कोटी की खिलाड़ी आर्टन विजय से सुमन सूरज हर्षित के लिए उसी पोजिशन पे गिर रहे हैं और अभी तक राजू ने निराश भी नहीं किया है। एक हल्का सा शॉट सुमन के द्वारा दाएं क्षेत्र से टीबल की दौड़ और वहां रोकने के लिए भूषण शाह नबी की जैसी में टीबल को गेंद मिल गई है। भूषण को चकाने का प्रयास दीपक वहां तीन नंबर की जैसी में सुखशान सुखशान सुबोध के लिए कैलवी कलमा शॉट वहां मौजूद है। मार्टिन बॉल पोजिशन को रखने का प्रयास हर्षित के लिए। ट्रू बॉल सूरज के लिए। सूरज की दौड़ लेकिन पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था। सैंडी बाहर की ओर निकले उस क्षेत्र में राजू का पास और राजू का क्रॉस सूरज बॉल को क्षेत्र में कामयाब। सूरज के पास गेंद है माटी को पास इन्होंने किया है और यहां पे रैपिंग विसल। अच्छे पासेस अभी तक दायरे क्षेत्र से क्रॉस डिफेंस ने अभी तक अच्छा किया है टीम दरबार एफसी के लिए। इस बीच यहां पे थोड़ी सी जान लगाते हुए उस क्षेत्र पे बाएं क्षेत्र से दौड़ और चोट भी अच्छी खबर की खिलाड़ी को चोट लगी थी लेकिन फिर से वापस बहुत तेजी के साथ पार करने के बाद गलत पास कर बैठे। दर्शकों की शोरगुल रोमांच अच्छा प्रयास है। सात जैसे भी प्रदीप क्रॉस निकाला है